देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 काय का एफ ए का, ठीक है। डिज़ाइन एफ ए फॉर बाइनरी नंबर ग्रेटर देन दिस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बार आ चुका है पहले भी। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें समेशन तो गिवन है नहीं, तो समेशन क्या लेना मुझे बताइए। अगर वो बाइनरी नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट समेशन क्या हो गया, इनपुट सिंबल्स क्या हो गए, 0, 1 हो गए, ठीक है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो बोला हुआ नहीं है, फिर भी हम ले लेंगे कि हमें समझना चाहिए। जैसे हम डेसिमल नंबर्स में हम क्या लेते थे, 0 से लेके 9 तक, वैसे ही बाइनरी नंबर में दो ही हमारे ये रहते हैं डोमेन में, 0 और 1, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये जो नंबर है इससे बड़ा बाइनरी नंबर आ गया तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको करना है कि भाई अगर इससे बड़ा नंबर आता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, इससे छोटा नंबर आता है तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भाई, पहले तो ये जो नंबर है, ये नंबर खुद कौन है, पहले मुझे बताइए। ऐसा ले लेते हैं हम, 2 रेज टू पावर 0, ऐसा होता है ना, 1, 2 रेज टू पावर 1, 2, 2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर 2 आता है 4, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 कितना, 64। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इतने का ही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला जो बिट है, ये नंबर यानी ये ऐसा नहीं हुआ क्या, 1 0 1 1 0 0 1, तो मुझे बताइए ये हो जाएगा 64, ये बिट 0 है 32 वाला, ये 16, ठीक है, नेक्स्ट, और ये 8 वाला बिट 1 है, और ये दोनों 0 0, और ये क्या है हमारा 1, यानी कि ये 4 प्लस 6 10, और ये 9, और ये दिस 89, यानी कि ये जो नंबर है वो नंबर खुद तो कौन है, 89। आई बात समझ में, यानी कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इनडायरेक्टली कि 89 से बड़ा अगर बाइनरी नंबर आता है तो वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, और अगर छोटा आता है तो वो रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसी हमें एक एफ ए यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे। पहले मैं बोलता हूँ कि भाई ये नंबर अगर 89 है, ठीक है, तो ये 89 से बड़ा नंबर चाहिए हमें, ठीक है, 89 से बड़ा नंबर चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि ये जो नंबर खुद है 1 0 1 1 0 1, ये कितना होता है भाई, ये होता है 89। तो ये 89 से बड़ा नंबर कौन सा, 89 से बड़ा नंबर 90, मुझे बताइए ये 89 है, इसको मुझे 90 करना है, तो मुझे बताइए इसमें मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10। तो ये बताइए ये 90 नहीं हुआ क्या, करके देखिए यार, ये 90 हुआ, ठीक है। चलिए ये 90 हुआ तो 91 कितना हो जाएगा, मैं लेता हूँ 10 11 0 11, देखिए ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे आप बोलो तो मैं यहाँ पे उसके ये लिख दूँ, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 91। अरे आई क्या बात समझ में, देखिए ये ऐसा नहीं हुआ क्या, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 80 88 88 और 2 90, आई बात समझ में, और ये 91, ठीक है। चलिए ये हो गया 91 कैसे आ जाएगा, देखिए 10 11 100, देखिए ये ऐसा हो जाएगा, कैसे पता, देखिए इधर ये 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 88 88 और 4 92, आई बात समझ में। चलिए अगर ये 92 हुआ तो नॉट 93, 10 11 0 1 बढ़ा देता हूँ मैं 93, चलिए 94 कैसे हो जाएगा, 10 11 1 10, इसमें एक बढ़ा दिया 94, 95 कैसे हो जाएगा, 10 11 ये 11, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, 11 96 कैसे हो जाएगा, 96 हो जाएगा 10 0 0 0 0, अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, कैसे पता करके देखिए। मैं पूछता हूँ आपसे कि 64 और 32 क्या ये 96 नहीं होते हैं क्या, अरे ये 96 होते हैं, आई बात समझ में, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए कि मुझे लेना है 97, तो मुझे 97 कैसे लेना पड़ेगा,
यानी कि ये जो दो बिट है ये 1-1 के बाद ये 5-0 के बाद ये 1, यानी इसकी ये कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे 2-1 के बाद, 2-1 के बाद ये पांचों डिजिट क्या आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। पहले ये 1 हो जाएगा, फिर ये देखिए 1-0 हो जाएगा, फिर 1-1 हो जाएगा, फिर 1-0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 1-0-1, फिर ये 1-1-1, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-1-1, फिर ये इधर का बिट 1 हो जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ये 2-1 के बाद ये पांचों बिट्स क्या हो सकते हैं, रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, फिलहाल तो मैंने ये 89 से बड़े नंबर यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न क्या है, देखिए इधर ये जो 90 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, इन दोनों में देखिए कि ये जो 5 बिट्स है वो सेम है, और ये 2 बिट्स हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अरे ऐसा ही ना, हाँ करेक्ट है। देखिए ये दो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दो नंबर्स जो है, ये दो नंबर्स में क्या हो रहा है, 1-0-1-1-0, ये इतना क्या है हमारा कॉमन है। मैं तो बोलता हूँ कि ये भी कॉमन है, 1-1-0-1-1-0-1, इतना कॉमन है। सिर्फ ये आखिरी बिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आखिरी बिट की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स। भाई ये एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए और इन चारों को कंबाइन कर सकते हैं हम, हाँ इन चारों को हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, 1-0-1-1-1, इतना हमारे पास कॉमन है। और ये पीछे की बिट देखिए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्स एक्स, भाई पीछे कुछ भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये 96 से बाद वाले नंबर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 96 से बाद के नंबर के लिए हम लिख सकते हैं 1-0, फिर ये एक्स एक्स एक्स। अरे भाई ये पांचों तो वेरी होते रहेंगे ना, आई बात समझ में, ठीक है। फिर मुझे बताइए, ये जब पांचों वेरी होके, ये पांचों वेरी होके जब ये हो जाएंगे 1-1-1-1-1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बाद 7, 0, 7, ठीक है। इसके बाद नंबर हमारा ये आ जाएगा, तो मुझे बताइए इसके बाद ये नंबर आ जाएगा तो वो तो नंबर तो खुद ही क्या हो गया, 8 डिजिट। यानी कि मुझे ये पता करना था कि 7 डिजिट के नंबर्स कितने आएंगे 89 से बड़े। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर ये 2, ये 4, 6, और इसके बाद हमारे ये पूरे नंबर्स। अरे भाई ये पूरे नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये 32 नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबर के कॉम्बिनेशन से हमारे 32 नंबर्स बनेंगे, जिनके सामने 2 1-1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 32 नंबर्स के अलावा, ये देखिए ये 32 नंबर्स को तो मैंने ऐसे समराइज कर लिया, भाई शुरुआत के 2 बिट होने चाहिए, फिर पीछे के 5 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये जो मैंने स्मॉल एक्स लिया, यानी कि ये क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा और एक बात कि ये 32 नंबर्स के बाद और जो नंबर्स आएंगे वो तो क्या हो जाएंगे हमारे, ग्रेटर देन। ये जो हमारा नंबर्स है 96 से लेके 32 तक, 32 नंबर्स आगे के, यानी कि ये हमारी पहली केस हो गई, ठीक है। ये हमारी केस 1, ये हमारी केस 2, भाई ये नंबर्स आ सकते हैं, ये हमारी केस 3, ठीक है। और ये केस 3 के बाद जो केस 4 आएंगी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 डिजिट्स, ठीक है, नंबर्स हैविंग, नंबर्स हैविंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 डिजिट्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 डिजिट्स, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये तो हम कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, अब देखिए इधर मैं सीधा एक काम करता हूँ, डायग्राम निकालता हूँ। यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये जो नंबर्स है, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, आप उसको बहुत ही ईजी वे से स्लोली समझिए कि ये 89 से बड़े नंबर्स मैंने लिखे, ठीक है। ये 2 नंबर्स, ये 4 नंबर्स, और उसके बाद 32 नंबर्स, और इसके बाद यानी कि ये मैंने जो 32 नंबर्स और ये 4 और ये 2, यानी कि 38 नंबर्स जो लिखे हैं, इसके बाद के जो आगे के सभी नंबर्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, 8 डिजिट। तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि भाई इफ़ नंबर इज़ 8 डिजिट, 8 or greater than 8, तो वो तो सभी एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई 8 डिजिट का बाइनरी नंबर है फिर वो 1 7 times 0 हो, यानी फिर वो यही क्यों ना हो, वो क्या रहेगा, 89 से बड़ा ही रहेगा।
यानी 8 डिजिट और 8 से ज़्यादा वाले सभी एक्सेप्ट होने वाले, ये आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि इफ़ स्ट्रिंग हैज़ डिजिट्स 8 और ग्रेटर देन 8, ठीक है, देन इट इज़ डायरेक्टली एक्सेप्टेड। पर भाई अगर बात है कि अगर वो 7 डिजिट नंबर है तो वो कौन से 7 डिजिट्स वाला नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए, तो बेटा वो तो यही होने चाहिए। अब देखिए इनकी मैं डायग्राम कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले तो मैं पहले ये डायग्राम नहीं, ये दो ये केस वन को ये करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ये केस वन है, केस टू, केस थ्री, केस फोर को तो हमें सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, ये हमारी क्यू जीरो स्टेट है और मुझे ये डायग्राम ये निकालना है भाई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हमारे क्या है, फिक्स है भाई। पहला डिजिट क्या होना चाहिए, 1, कोई बात नहीं, क्यू वन। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए, 0, कोई बात नहीं, क्यू टू। नेक्स्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, 1, यानी कि ये क्यू थ्री। नेक्स्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू फोर। उसके बाद क्या आना चाहिए, 0। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा क्यू फाइव। उसके बाद क्या आना चाहिए, 1, यानी कि ये 1 के बाद क्या आ जाएगा, ये क्यू सिक्स। और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स क्या है, 0 1, कुछ भी चलता है। अरे भाई कुछ भी चलता है तो हम कैसे लिखते हैं, 0, 1, भाई कुछ भी चलता है। और ये जो हमारी स्टेट हो जाएंगी, ये स्टेट हो जाएंगी हमारी क्यू सेवन, और ये क्यू सेवन स्टेट हमारी कैसी हो जाएंगी, फाइनल। इसलिए मैंने क्या लिखा, डबल सर्कल में देखिए, 1 0 1 1 0 1, ये इतना तो कॉमन है, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट कॉमन है, फिर पीछे कुछ भी आ जाए चलता, यानी इतना कर ड्रॉ करने से मेरे ये दोनों केसेस कवर हो गए। चलिए अब मुझे ये चार केस कवर करने, अरे ये चार केस कवर कर रहे हैं तो ये चार केस कैसे हम कवर करेंगे, अरे भाई 1 0 1 1 1, यानी ये इतना तो क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। मुझे बताइए अगर ये 1 0 1 1 1 इतना हमारा क्या है, फिक्स है, तो मुझे बताइए 1 0 1 1, यानी देखिए ये 1 0 1 1 इतना तो ड्रॉ किया हुआ ही है, 1 0 1 1। मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं ले लेता हूँ ये वाला 1, इधर ले लेता हूँ ये। अब मुझे बताइए ये 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 डिजिट कुछ भी, ये भी 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं Q8, और ये Q8 का मैं ट्रांजेक्शन भेज देता हूँ इधर 0, 1। तो मुझे बताइए क्या ये केस भी कवर नहीं हो गई क्या, ये चारों स्ट्रिंग्स भी कवर नहीं हो गई क्या, कैसे बता देगी इधर, अरे ये चारों स्ट्रिंग्स में ये 1 0 1 1 1 कॉमन है, 1 0 1 1 1 ये कॉमन है। इसके बाद 2 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, 1 0 1, फिर ये दूसरा 0 1, पहुंच गए हम Q7 पे, यानी कि मैंने क्या कर लिया, मैंने ये चारों भी क्या कर लिए, वहाँ पे कवर कर लिए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं ये, अरे इसमें क्या चाहिए, अरे 2 बिट हमारे क्या आने चाहिए, 1 1, उसके बाद क्या आने चाहिए, 5 बिट्स कुछ भी होने चाहिए, चलता है फिर वो 0 हो कि 1 हो। तो मुझे बताइए 2 1 चाहिए, तो भाई ये 1 1 हो गया, चलिए 1 1 मैं इधर ले लेता हूँ, ये 1 1 इधर ले लिया मैंने, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, स्टेट Q9, ठीक है। चलिए तो ये 2 1 हो गए भाई, ये 2 1 के बाद मुझे ये 1 2 3 4 5, ये 5 बिट हमारे 0 रहे तो भी चलता, 1 रहे तो भी चलता, कभी भी कोई भी 0, कभी भी कोई भी 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें क्या करना चाहिए, 5 बिट हमारे 0 1 के लेने हैं, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ 0, 1, मैं यहाँ कर देता हूँ Q10, मैं बोलता हूँ 0, 1 Q11, और बोल देता हूँ मैं 0, 1 Q8 भी डाल देता हूँ मैं। तो मुझे बताइए कि ये ऐसा नहीं हुआ, 1 1 के बाद ये 1 2 3 4 5, 5 बिट कुछ भी हो सकते हैं, यानी ये डायग्राम से मेरे ये दो केसेस, ये चार केसेस और ये 32 केसेस कवर नहीं हो गए क्या, कवर हो गए। इसके बाद और कौन से नंबर्स है जो ग्रेटर देन 89 है, भाई वो तो 8 डिजिट और 8 डिजिट से बड़े हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि इफ़ नंबर इज 7 डिजिट, हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में आंसर में कि इफ़ नंबर इज 7 डिजिट प्रोसेस इट ऑन दिस, या कि 7 डिजिट या उससे छोटा हो तो यहाँ पे आप प्रोसेस कर सकते हो। और आपको डायरेक्ट एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि ये जो हमारी केस 4 है कि इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 डिजिट्स देन इट विल बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड, यानी कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि पहले आप स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर लीजिए। देखिए हमें नहीं करना है, वो जो मशीन करनी है उसको करना पड़ेगा आपको, कुछ ये क्वेश्चन में ऐसा एडिशनल ये करके नहीं बताना है, लिखना है क्या कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 डिजिट्स देन इट विल बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड। हाँ, पर वो नंबर्स वैलिड होने चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 0000000, अरे भाई ये भी एक बाइनरी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
नौ ले लीजिए भाई, ऐसा आठ जीरो के बाद वन। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक नाइन डिजिट नंबर है तो ये तो डायरेक्टली एक्सेप्टेड होना चाहिए। नहीं अरे भाई, वो जो नंबर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एट डिजिट्स, वो शुरू कहाँ से होने चाहिए? वन से ही शुरू होने वाले चाहिए। ये जो लीडिंग, ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस, ये तो हमारे कुछ मायने नहीं रखते हैं जब हम ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ, और एक बात कि भाई पहले तो बताइए कि ये एफ ए कम्प्लीट हो गई क्या मेरी? देखिए ये क्यू जीरो ने वन का ट्रांजेक्शन लिमिट किया, जीरो का किया ही नहीं है। क्यू वन ने ठीक है दोनों कर लिए, क्यू टू ने एक ही ट्रांजेक्शन लिमिट कर लिया, तो ये डायग्राम अभी भी कम्प्लीट नहीं हुई है। पर ये डायग्राम मैं कम्प्लीट नहीं करने वाला हूँ, ये डायग्राम कौन कम्प्लीट करने वाला है? आप लोग ही कम्प्लीट करने वाले हो। तो इसके जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स विल बी ऑन डेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक स्टेट ड्रॉ कर लीजिए आप, कहाँ पे? यहाँ पे सपोज मैं उसको ले लेता हूँ Q12, ठीक है, जिसका 01 खुद पे ही आ रहा है। अब जिस ये जैसे ये स्टेट का वन हो गया, जीरो रह गया, वो यहाँ आ जाएगा। अरे Q2 का वन हो गया, जीरो रह गया, अरे भाई जीरो इधर आ जाएगा। यानी कि ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सभी के जो 01 है वो कहाँ पे आ जाएंगे? कहाँ पे आ जाएंगे? डेड स्टेट पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? अरे भाई हाओ कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अगर नहीं भी आई होंगी तो कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने 8 डिजिट वाला बोला आपको, वो लिखना है तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये डायग्राम आप ड्रॉ करो और ये जो हमारा Q7 है, अगर आपको ये 8 डिजिट का नाटक जो है वो अगर आपको लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप क्या करो, यहाँ तक पहुँच जाओ 7 डिजिट्स में, और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, उसके बाद आप कर दीजिए इधर ऐसा, ये Q7 का 01 क्या कर दीजिए आप, उसी पे ड्रॉ कर दो। सो दैट क्या हो जाएगा कि भाई अगर कोई 7 डिजिट का प्रॉब्लम है, 7 डिजिट का लेटर है, ये है स्ट्रिंग है, तो वो तो प्रोसेस हो जाएंगी। 7 से ज़्यादा की है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी डायरेक्टली, ये जो Q7 का है वो 01 आप वहाँ पे खुद पे ही ले लीजिए कि भाई ये 7 के बाद कितने भी डिजिट्स आ जाए वो तो क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट होने चाहिए। और आप वो 8 वाली कंडीशन मेंशन करके रखिए। आई बात समझ में? ठीक है, क्यों मेंशन करके रखनी है? क्योंकि ये जो डायग्राम है इसमें मैंने बोला भाई सपोज मुझे ये प्रोसेस करना है, ठीक है, अरे भाई ये देखिए तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स का है, भाई ये यहाँ पे प्रोसेस होगा क्या? भले ही मैंने Q7 का 01 वहीं पे लिया हुआ है पर ये नंबर यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा, कैसे पता? देखिए 1 0 फिर इसका 0 डेड स्टेट पे गया, तो ये देखिए प्रोसेस हो जाएगा और ये क्या नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये 01 भी आपको यहाँ लेना है तो लीजिए, अदरवाइज आप सीधा सीधा इसका भी 01 कहाँ ड्रॉ कर देना, इसका भी 01 आप ड्रॉ कर देना काय पे और डेड स्टेट पे। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जितने भी है वो कहाँ पे जाएंगे? डेड स्टेट पे जाएंगे। और एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि नंबर 8 डिजिट या 8 डिजिट से ज़्यादा है तो डायरेक्टली एक्सेप्टेड कर दो। ठीक है, चलिए इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी हम देखेंगे आने वाले क्लास में। ओके।